हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इस वीडियो में जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ड। ओके, तो लिविंग वर्ड में स्टूडेंट हमने समझा था कि व्हाट इज लिविंग, राइट। तो लिविंग क्या है, तो देयर आर सम हमने बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सके, जो ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शंस कर सके, जिसके पास एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेंस कर सके। ओके, सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आउटर माइंड इमीजिएटली, राइट। ऐसे फ्यू ऑफ फीचर्स जो एनिमल पजेस करता हो तो हम उसे लिविंग कह सकते हैं। जिसमें हमने स्टडी किया था कि ग्रोथ जो है ग्रोथ डिफाइंडिंग फीचर्स नहीं है। वाई? बिकॉज क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, राइट। देन हमने देखा था कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है, राइट, तो वो ग्रोथ उसके थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना। देन ग्रोथ कैसे होता है, तो हमने चैप्टर नंबर 8 में सेल थ्योरी पढ़ी है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसमें से सेल डिविजन होके जो सेल ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ याद रखना कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर्स, राइट। तो याद रखना कि जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसका ग्रोथ जो होता है वो नंबर्स में होता है, जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो उसके अंदर जो है क्या होगा, तो उसका जो मास होगा वो बढ़ेगा, राइट। नंबर इन मास याद रखना। यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन बॉडी मास इज अ कंसिडर एज अ ग्रोथ, तो याद रखना यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में ग्रोथ डिफरेंस। देन हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप देखो तो रिप्रोडक्शन में भी वेरियस टाइप्स देखने को मिलेंगे। और हमने डिस्कस किया था कि जो सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो विदाउट रिप्रोडक्शन करके भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि स्टराइल बीज, म्यूल्स, राइट, स्टराइल ह्यूमन बींग। सो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते फिर भी वो लाइव है। सो दैट रिप्रोडक्शन आर ऑल्सो नोन एज अ डिफाइंड नॉट डिफाइंडिंग फीचर्स, राइट। नाउ हम आगे बात करें तो अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, राइट। हम सभी केमिकल्स से बने हुए हैं। हमारा सेल जो उसका कंपोजिशन भी केमिकल से बना हुआ है, जो कि सबके अंदर आपको डिफरेंट साइज फंक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो द कन्वर्जेशन आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ईच सेल के अंदर क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है, राइट, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा। तो ये एग्जैक्टली क्या, तो एग्जैक्टली हम इसकी डेफिनेशंस देखें। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, सो उसे ध्यान रखना। कि यहां से द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ओके, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सिबिट इज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ फ्री सिस्टम, राइट। जैसे कि आप देखो तो सेल जो है वो कल्चर मीडियम में बॉडी के बाहर भी ग्रो हो सकता है, टिश्यूज भी ग्रो हो सकती है, राइट। एंड ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म हो सकते हैं, राइट। तो दैट टाइम उसे हम जो टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म, ऑफकोर्स चलो कि हम समझ सकते हैं कि किसी सेल को या टिश्यूज को आप देखो तो ग्रो करवाए तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग सेल है या लिविंग टिश्यूज है, या एक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं तो वो एक लिविंग रिएक्शन है, बट उसे हम लिविंग बींग्स नहीं कह सकते, राइट। तो स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। देन कॉन्सियसनेस, जिसमें हमने जो है जो कॉमा पेशेंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट, कि जो क्या कर सकता है कि वो
जो भी स्टिम्यूली ओनली फिजिकल स्टिम्यूली को नहीं बट जो केमिकल स्टिम्यूली है उसे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स देता है, राइट जो हमने कोमा पेशेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब आप देखो तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर्स है, बायोडायवर्सिटी है, नॉमेनक्लेचर्स है, आइडेंटिफिकेशंस है, राइट इस सब की आपको सिर्फ डेफिनेशन ही रीड करनी है। देन जो है हम बात करें तो इस चैप्टर में जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कार्लोस लिनियस ने सजेस्ट किया था, जिसमें जीनस एंड स्पीसीज, राइट ऐसे दो फॉर्मेट में क्या होंगे तो नेम रिप्रेजेंट होंगे, ये लेटिन से राइज्ड है, ओके सो इट रिटन इन इटैलिक्स, राइट और फर्स्ट ऑलवेज जीनस लिखा जाता है, देन आफ्टर स्पीसीज लिखा जाता है। जब इसे हम हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो क्या करना है, तो इसे अंडरलाइन करना है, तो ये सारे रूल्स भी इम्पोर्टेंट है। ओके देन स्टूडेंट इस चैप्टर्स में अब देखो तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है, राइट और टेक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज में स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज, राइट ये सब डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट है। ओके जिसमें स्पीसीज में क्या है तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज ध्यान रखना कि स्पीसीज मीन्स व्हाट, तो ऑर्गेन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आर नोन एज अ स्पीसीज। आगे जाओ तो रिलेटेड स्पीसीज आर प्लेस्ड इनटू जीनस एंड फैमिलीज यानी रिलेटेड जेनेरा प्लेस इनटू वन जेनेरा। ओके देन हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में भी यही आएगा, बट स्टूडेंट सब में एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे ध्यान रखना। ओके और आगे हम देखें तो हर्बेरिया है, ओके म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क एंड की। ओके स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस बार आप जो है ना वो जो फीचर्स है, ओके जो कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फीचर्स है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उसे पहले फोकस करना। अब हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, तो पहले तो हम बात करें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था एरिस्टोटल ने, राइट उसके बाद कार्लोस लिनियस ने भी दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशंस, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस आया जो कि व्हिटेकर ने दिया था, राइट इस तरह से आप देखो तो क्लासिफिकेशंस में अपडेट होता रहा। देन जो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स है, ओके यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स जिसे हम कहेंगे मोनेरा, राइट तो मोनेरा डिफर शेप्स में है, राइट इस तरह से तो उसके शेप्स एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। देन इसके दो बेसिक टाइप्स है, आर्ची आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, राइट सो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो तो यू बैक्टीरिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया जो इसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहेंगे, जिसके पास रिजिड सेल वॉल है, मोटाइल है, फ्लैजेला है, राइट सम ऑफ द इन इन दिस ग्रुप साइनो बैक्टीरिया हैव अ क्लोरोफिल ए, राइट एंड सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके द साइनो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर कॉलोइनल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ओके देन हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसके सराउंड पे इस तरह से अब देखो तो ब्लूइश कलर में दिख रहा है वो जिलेटिन शीट प्रेजेंट है और वाटर के अंदर जो है वो एल्गल ब्लूम्स आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो तो स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ सेल्स दिख रहा है जो कि बाकी सबसे डिफर है, सो इसे हम कहेंगे हेट्रोसाइट्स जो कि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करेगा, राइट और साथ ही साथ आप देखो तो डिफर ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, राइट तो दैट काइंड ऑफ जो भी सब्सटेंस होंगे उसे भी यूज करके वो एनर्जी रिलीज करता है, राइट और दैट टाइम एटीपी प्रोडक्शंस करता है। तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयन एंड सल्फर। देन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ओके द बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर,
मेजरली दे आर डीकम्पोजर्स। ओके, यहां से इसका जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। ओके, कि ह्यूमन बींग के लिए भी जो बैक्टीरिया है वो हेल्पफुल है, जैसे कि कर्ड मेकिंग, एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। तो नॉट ओनली यू बैक्टीरिया के बेनिफिट्स है बट सम ऑफ दी इसके जो है डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि डिजीज होते हैं, राइट, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय दी बैक्टीरिया, राइट। देन बैक्टीरिया किस तरह से डिवीजन ग्रोथ करते हैं, थ्रू द फ्यूजन, राइट। देन एंड देन माइकोप्लाज्मा के बारे में बताना है। अब हम आगे बात करें तो प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में आप देखो तो हमने क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्राइसोफाइट्स आर नोन एज अ पर्ल ऑफ द ओशंस, वो भी हमने एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है। डायनोफ्लैजेलेट्स जो कि एल्गल ब्लूम्स, राइट, रेड टाइड्स फॉर्म करती है। गोनुलेक्स वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूग्लेनॉइड्स जो कि बिहेव लाइक एनिमल एंड, राइट, और जब इसके पास के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है सो वो एनिमल एंड प्लांट दोनों जैसे कैरेक्टर पजेस करता है। देन नेक्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड के पास फंगल एंड एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो याद रखना। देन लास्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोटिस्टा, तो वो है प्रोटोजुअन्स। ओके, तो प्रोटोजुअन्स देखो स्टूडेंट, तो ये पूरा हेटरो ट्रॉफ से यानी कि डिपेंड टू अदर लीव्स एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स, राइट, एंड दे आर बिलीव टू प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजुअन्स, जिसमें फर्स्ट वन है अमीबॉइड प्रोटोजुअन्स, यानी कि ऑफकोर्स अमीबा है तो अमीबा जैसे, बट ये कहाँ पे आपको फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल सभी जगह पे देखने को मिलेगा, राइट। और क्या करते हैं आपने अमीबा के अंदर जो है वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी कि फूड कैप्चरिंग प्रोसेस आगे भी स्टडी की हुई है, कि अपने प्री को सुडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर कर देता है देन उसे डाइजेस्ट कर लेता है। बट ये जो प्रोटोजोअन से अमीबियोड प्रोटोजोअन से, इसमें स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे पजेस दी और दे हैव अ सिलिका शेल ऑन द सर्फेस, राइट, इसके पास सिलिका सरफेस है, सॉरी सिलिका शेल है। ओके, और ये जो है इसमें जो पैरासाइटिक स्पीसीज है वो है एंटा अमीबा। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, तो फ्लैजेलेट ऑफकोर्स दे है पजेस द हैविंग अ फ्लैजेला, राइट, दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक है ऑफ, और ये जो है इससे डिजीज होता है कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस, और वो किससे होता है, तो वो होता है ट्राइपेनोसोमा। ओके, ट्राइपेनोसोमा से ये डिजीज होता है स्लीपिंग सिकनेस। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखना। देन सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ऑफ कोर्स प्रोटोजोअन हैविंग अ सिलिया, राइट, तो सिलियास थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में होती है, जैसे आपने पैरामिशियम को यहाँ पे देखो तो बहुत थीन सी सिलिया दिखाई हुई है जो कि आपको अभी नहीं क्लियर दिखेगी इसमें, तो सिलिया आपको पता है कि स्मॉलर 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि बैक्टीरिया या सॉरी प्रोटोजोअन्स के सराउंड में प्रेजेंट होगी, राइट। सिलिया की हेल्प से वो क्या कर सकता है, तो अपना जो भी फूड है उसे मूव, अपने सराउंड जो फूड है सिलिया की हेल्प से मूव करवा के अपने गुलेट तक, राइट, जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर होता है, गुलेट की हेल्प से वो अपना फूड कैप्चर करेगा, राइट। देन द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रॉ ऑफ सिलिया कॉज द वॉटर लेडन विद द फूड टू बी स्टर्ड इन टू द गुलेट, राइट, गुलेट तक पहुंचाएगा, एंड एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। एंड लास्ट वन इज स्पोरोजुआ, दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। द स्टूडेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फाल्सिफेरम स्पीसीज के बारे में हमने बात की थी, जो कि मोस्ट कॉमनली डिजीज करता है मलेरिया, जिसके आप देखो तो इसके लाइफ साइकिल में आपको बहुत सारे स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, कि किस तरह से मॉस्किटो में से लेके हमारे ब्लड में आके लीवर में जाके लीवर में से वापस हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स में जाके डिफर डिफर जो स्ट्रक्चर्स बनाता है, सो इसमें आपको बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखने को मिलेंगे, सो दैट इज नोन एज अ स्पोरोजुअन्स। क्लियर?
तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना कि स्पोरोजोन्स इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तो फंगी के बारे में, तो फंगी यहाँ पे स्पोरोजोन्स आपको क्लियर है। स्टूडेंट लास्ट टाइम जो इन एग्जाम्स में सबने बहुत एक सिली मिस्टेक की थी कि यहाँ पे नोटोरी प्लाज्मोडियम राइट, और यहाँ पे आप देखो अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंटिएट एंड फॉर्म ऑफ रूटिंग बॉडी राइट। इसके अंदर आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी, सो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चंस कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है। ओके, क्योंकि ये भी स्लाइम मोड का एक स्टेज है जिसे प्लाज्मोडियम बोला गया है। और इस प्लाज्मोडियम ऑलरेडी वन एक क्या है, प्रोटिस्ट है। सो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उसके बेसिस पे आंसर देना। अब इसी तरह से हम फंगी के बारे में बात करें तो फंगी किंगडम, फंगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट, जो कि फ्री लिविंग आपको देखने को मिलेगी। उसका हैबिटेट वेरियस है, ओके, जहाँ पे मॉइस्ट होगा वहाँ मॉइस्ट एंड वार्म होगा। देन उसके बेनिफिट्स की एंटीबायोटिक भी बनाई जा सकती है, एज अ फूड भी यूज हो सकता है। देन इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन रिप्रोडक्शन, स्टूडेंट रिप्रोडक्शन में भी आप देखो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने प्लाज्मोगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ओके, देन डाइकैरियन स्टेज के यानी कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होना, ये स्टेज भी देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन फाइकोमाइसेट, आइसोमाइसेट जैसे कि उसके सब ग्रुप्स हैं राइट। देन वायरस, जो कि वायरस के बारे में भी हमने बहुत बार स्टडी किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो वायरस के बारे में, और वायरस में आपको क्या, तो मेनली जो इसका हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि वायरस जो है मेड अप ऑफ आउटर प्रोटीन कोट एंड इनर साइड जेनेटिक मटेरियल है, दो चीज से बनी हुई है, उसके बारे में डिस्कस किया था। जेनेटिक मटेरियल में आरएनए डीएनए हो सकता है, और ये पूरा जो है क्या है, पूरा यूनिट कैप्सोमर्स है, जिसका सिंगल यूनिट को हम कहेंगे कैप्सिड राइट। तो वायरस के बारे में देखा। देन विरॉइड्स, तो विरॉइड्स क्या है, तो स्मॉलर देन वायरस राइट, और ये क्या है, तो फ्री आरएनए है जो कि टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। देन लाइकन, लाइकन में फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, ये टर्म्स क्लियर रखना, और इसका जो इम्पोर्टेंस है ओके, कि वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, क्लियर दैट। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए है स्टूडेंट, इसमें जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला है वो उसके ऊपर फोकस करना, जैसे कि प्रोटोजोअन्स है, फंगीज है राइट, देन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स ओके, देन आगे यू बैक्टीरिया के बारे में भी मैंने बताया, तो ये सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू।